कभी आपने भूतों से बात की है या कभी किसी कब्रगाह में जाकर लगा हो कि यार कोई आत्मा दिख जाए बस, या कभी रास्ते पर चलते हुए किसी के साथ चलने का एहसास हुआ है? अरे ठहरिए तो बताती हूँ इस तरह के अजीब से सवाल पूछने की वजह। पहले इन सभी सवालों को अपने दिल में थामिए और चलिए हमारी टीम के साथ हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी जगह जो कि आज भी हॉन्टेड है। जहां माना जाता है कि आज भी है प्रेत आत्माओं का बसेरा, जहां के लोग उस रास्ते से गुजरने से कतराते हैं। हमारे सहयोगी राहुल तिवारी के साथ हमारी टीम पहुंची है उस जगह की तहकीकात करने। हिमाचल के सोलन से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दक्षाई, जो कि यहां का एक पुराना कैंट टाउन है। समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर की ऊंचाई पर बना यह टाउन देखने में तो इतना सुंदर है कि एक बार ये जगह देख लेने के बाद आपका यहाँ से वापस जाने को मन नहीं करेगा। दक्षाई कोई फेमस टूरिस्ट प्लेस या कोई श्रापित जगह नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हॉन्टेड माना जाता है। पहले समय में इस टाउन का नाम दागेशाही रखा गया था, क्योंकि मुगलों के समय में यहाँ अपराधियों को मौत की सजा के लिए भेजा जाता था। तब से इसका नाम दागेशाही पड़ गया, जिसका मतलब है शाही दाग। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ ही इसका नाम दक्षाई पड़ गया। असल में ये एक आर्मी कंटोनमेंट एरिया है, जहाँ कुछ आर्मी बिल्डिंग्स, स्कूल, लोकल होम्स और एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश एरा में मेजर जॉर्ज वेस्टन अपनी पत्नी मैरी के साथ यहाँ रहते थे। मेजर जॉर्ज पेशे से डॉक्टर थे और उनकी पत्नी नर्स। उन दोनों के कोई बच्चा नहीं था। फिर उन दोनों की मुलाकात एक संत से होती है। उसके बाद ही मैरी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के 8वें महीने में ही मैरी की मौत हो जाती है। ये बात सन 1909 की है। उन दोनों की मौत के बाद जॉर्ज ने अपनी पत्नी और अपने अनजन्मे बच्चे के लिए एक बहुत ही सुंदर कब्र बनवाई, जिस पर लगा संगमरमर इंग्लैंड से मंगवाया गया था। अब जैसे जैसे समय बीता, उसके साथ ही एक बात भी फैलने लगी कि जो भी स्त्री मैरी की कब्र का एक टुकड़ा ले जाएगी, उसे लड़का ही पैदा होगा। अब लोग बेटी ना पैदा करने के लालच में उस कब्र का पत्थर तोड़ तोड़ कर ले जाने लगे। ऐसे में ये पूरा स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो गया। कई लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने वहां मैरी का भूत भी घूमता हुआ दिखाई दिया। लोगों का ये भी मानना है कि मैरी का भूत वहां अपनी कब्र की रक्षा करने के लिए आज भी आता है। वो कब्रिस्तान दक्षाई के एरिया में आज भी मौजूद है। ये वैसे तो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। इसके अलावा दक्षाई के और भी कई इलाके हैं जो कि इसी तरह के इतिहास और कहानियों से जुड़े हुए हैं। उनके बारे में आने वाली वीडियोस में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश के साथ इसी तरह की और जानकारी को पाने के लिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।